नमस्कार, मैं राणा यशवंत। साल 1936 की बात है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में एक तबला वादक रहा करते थे। नाम था बद्री प्रसाद मिश्र। हरिहरपुर इलाके का जाना माना गांव था। पूरे इलाके में अपनी कला की वजह से उनका मान सम्मान भी था। वैसे उनके घर में फरवरी महीने की 3 तारीख को एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम रखा गया मोहनलाल मिश्र। पिता ने बचपन से ही बच्चे को संगीत की तालीम देनी शुरू की। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा एक गुणी कलाकार बने, बड़ा होकर परिवार का नाम करे। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पंडित बद्री प्रसाद मिश्र अपने बेटे के संगीत पर पूरा ध्यान रखते थे। बेटा भी 8-9 साल का ही हुआ था कि पंडित जी का तबादला मुजफ्फरपुर हो गया। नया शहर था, नया माहौल भी। पंडित बद्री प्रसाद मिश्र अपने बेटे को लेकर उस शहर में यानी मुजफ्फरपुर में किराना घराने के कलाकार अब्दुल गनी खान के पास गए। पंडित जी ने उनसे गुजारिश की कि वो उनके बेटे को शास्त्रीय संगीत की अच्छी शिक्षा दें, उनको तालीम दें। गुरुजी मान तो गए, लेकिन उनसे संगीत सीखना इतना आसान नहीं था। इसका किस्सा भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये बता दें कि बच्चे का नाम उसकी गुरु माँ ने बदल दिया। मोहनलाल मिश्र को बुरी नज़र से बचाने के लिए गुरु अम्मा ने उनका नाम रखा छन्नू। आज वही छन्नू दुनिया भर में छन्नू लाल मिश्र के नाम से जाने जाते हैं। दरअसल छन्नू नाम रखे जाने के पीछे की सोच थी कि उन्हें 6 तरह के विकारों से दूर रखा जाए। उस जमाने में बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस तरह के नाम रखे जाते थे। पिताजी छन्नू को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे। उनके जहन में हमेशा एक ही बात रहती थी कि इस बच्चे को बड़ा होकर परिवार का नाम रोशन करना है। अपने बचपन का एक किस्सा छन्नू लाल जी बड़े चाव से बताते हैं। जब एक बार वो गांव के बच्चों के साथ तालाब के पास से गुजर रहे थे, गर्मी के दिन थे, उनके साथ जो लड़के गए थे वो तालाब में कूद गए और तैरने लगे। गर्मी थी ही, छन्नू लाल जी को भी पानी में कूदने का मन कर गया। वैसे गांव में तैरना ज्यादातर बच्चों को आता है और छन्नू लाल को भी आता था, लेकिन पीछे से उनके तालाब में तैरने की खबर पिताजी तक पहुंच गई और पिताजी आ गए। उन्होंने छन्नू लाल की पिटाई कर दी। उस रोज पिटाई के बाद उनके पिताजी ने कहा, अभी तालाब में तुम डूब जाते तो बड़े होकर नाम रोशन कैसे करते। तब समझ में आया कि पिटाई हुई क्यों थी। खैर, संगीत सीखने का क्रम भी छन्नू लाल मिश्र के लिए आसान नहीं था। छन्नू लाल भरी दोपहरी में गुरु के यहाँ जाते थे। वहाँ पहुँचने पर उस्ताद जी कहते, जाओ खाना बनाने के लिए लकड़ी ले आओ। छन्नू लाल वापस उसी चिलचिलाती दोपहरी में लौटते और गुरु के लिए लकड़ी लेकर आते। कंधे पर लकड़ी लादकर छन्नू लाल जब लौटते तो उस्ताद जी बड़े अनमने भाव से कहते, ये बताओ ये लकड़ियां तो गीली हैं, इन्हें कैसे जलाया जाएगा। इतना कहने का मतलब यही होता था कि तुम अब दोबारा जाकर लकड़ियां ले आओ। इतनी मेहनत करके पसीने पसीने होकर आने के बाद दोबारा पूरी मेहनत करना, ये कम मुश्किल काम नहीं था। एक दिन गुरु माँ ने खां साहब से पूछ ही लिया, इस लड़के को इतना परेशान तुम करते क्यों। उस्ताद जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं संगीत सीखने की उसकी लगन को परखना चाहता हूँ। गुरु माँ छन्नू को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी चुप हो गई। देखते देखते कब 8-9 साल निकल गए पता ही नहीं चला। छन्नू लाल मिश्र ने करीब 9 साल तक उस्ताद जी से शास्त्रीय संगीत की बारीकियाँ सीखी। धीरे धीरे उस्ताद जी को छन्नू लाल की लगन और काबिलियत पर भरोसा हो गया। छन्नू लाल की गायकी के अंदाज की चर्चा भी होने लगी। उस्ताद जी ने छन्नू लाल को अपनी सगी संतान की तरह ही सिखाया। जब उस्ताद जी आखिरी सांस ले रहे थे तो उन्होंने छन्नू लाल को आवाज दी, छन्नू। छन्नू भागते हुए उनके पास गए, उनके सिर को अपनी गोद में रखा और कुछ ही देर बाद उस्ताद जी ने दम तोड़ दिया। उस्ताद जी के जाने के बाद छन्नू लाल मिश्र को ठाकुर जयदेव सिंह से सीखने का सौभाग्य मिला। वो भी संगीत के अद्भुत जानकार थे। उन्होंने छन्नू लाल मिश्र को
और तराशा। छन्नूलाल अभी मुजफ्फरपुर में ही थे, तभी एक और दिलचस्प किस्सा घटा। हुआ यूं कि छन्नूलाल की गायकी के कुछ साल ही बीते होंगे जब चंपानगर के राजा कुमार श्यामानंद तक उनकी चर्चा पहुंची। उन्होंने खास तौर पर छन्नूलाल का गाना सुना, उन्हें उनकी गायकी बहुत पसंद आई। उन्होंने छन्नूलाल के पिताजी से कहा, तुम एक काम करो, इसको यहीं छोड़ दो, हम उसको राजगायक बनाना चाहते हैं। लेकिन पिताजी बेटे से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कुमार श्यामानंद से मना कर दिया और ये कहा कि वो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो छन्नूलाल को राजगायक बनने के लिए वहाँ नहीं छोड़ सकते। इसके बाद पिताजी ने छन्नूलाल को लेकर बनारस का रास्ता पकड़ लिया, यानी कि बनारस आ गए। फिर यहीं होकर के दोनों बाप बेटे रह गए। वो आज भी सभी से कहते हैं, आजमगढ़ मेरी जन्मभूमि है लेकिन बनारस मेरी कर्मभूमि है। पंडित छन्नूलाल मिश्र की गायकी का सबसे मजबूत पक्ष ये है कि श्रोताओं से उनका कनेक्ट बहुत तगड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है। मकसद यही है कि शास्त्रीय संगीत को इतना सरल करके गाया जाए कि साधारण आदमी को भी वो समझ में आए और फिर वो उसका कदरदान हो जाए। छन्नूलाल मिश्र ने देश दुनिया में शास्त्रीय कार्यक्रम करने के अलावा फिल्म आरक्षण में भी गाना गाया था, कौन सी डोर छोड़े कौन सी काटे रे। इस गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे थे। अमिताभ बच्चन की गायकी को हर कोई जानता है, वो कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने छन्नूलाल जी को सुनकर बहुत कुछ सीखा है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत। साल 1936 की बात है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में एक तबला वादक रहा करते थे, नाम था बद्री प्रसाद मिश्र। हरिहरपुर इलाके का जाना माना गांव था, पूरे इलाके में अपनी कला की वजह से उनका मान सम्मान भी था। वैसे उनके घर में फरवरी महीने की 3 तारीख को एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का नाम रखा गया मोहनलाल मिश्र। पिता ने बचपन से ही बच्चे को संगीत की तालीम देनी शुरू की, उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा एक गुणी कलाकार बने, बड़ा होकर परिवार का नाम करे। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पंडित बद्री प्रसाद मिश्र अपने बेटे के संगीत पर पूरा ध्यान रखते थे। बेटा भी 8-9 साल का ही हुआ था कि पंडित जी का तबादला मुजफ्फरपुर हो गया, नया शहर था, नया माहौल भी। पंडित बद्री प्रसाद मिश्र अपने बेटे को लेकर उस शहर में यानी मुजफ्फरपुर में किराना घराने के कलाकार अब्दुल गनी खान के पास गए। पंडित जी ने उनसे गुजारिश की कि वो उनके बेटे को शास्त्रीय संगीत की अच्छी शिक्षा दें, उनको तालीम दें। गुरुजी मान तो गए, लेकिन उनसे संगीत सीखना इतना आसान नहीं था। इसका किस्सा भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये बता दें कि बच्चे का नाम उसकी गुरु माँ ने बदल दिया। मोहनलाल मिश्र को बुरी नज़र से बचाने के लिए गुरु अम्मा ने उनका नाम रखा छन्नू। आज वही छन्नू दुनिया भर में छन्नूलाल मिश्र के नाम से जाने जाते हैं। दरअसल छन्नू नाम रखे जाने के पीछे की सोच थी कि उन्हें 6 तरह के विकारों से दूर रखा जाए। उस जमाने में बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस तरह के नाम रखे जाते थे। पिताजी छन्नू को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे, उनके जहन में हमेशा एक ही बात रहती थी कि इस बच्चे को बड़ा होकर परिवार का नाम रोशन करना है। अपने बचपन का एक किस्सा छन्नूलाल जी बड़े चाव से बताते हैं। जब एक बार वो गांव के बच्चों के साथ तालाब के पास से गुजर रहे थे, गर्मी के दिन थे, उनके साथ जो लड़के गए थे वो तालाब में कूद गए और तैरने लगे। गर्मी थी ही, छन्नूलाल जी को भी पानी में कूदने का मन कर गया। वैसे गांव में तैरना ज़्यादातर बच्चों को आता है
और छन्नूलाल को भी आता था, लेकिन पीछे से उनके तालाब में तैरने की खबर पिताजी तक पहुंच गई और पिताजी आ गए। उन्होंने छन्नूलाल की पिटाई कर दी। उस रोज पिटाई के बाद उनके पिताजी ने कहा, अभी तालाब में तुम डूब जाते तो बड़े होकर नाम रोशन कैसे करते। तब समझ में आया कि पिटाई हुई क्यों थी। खैर, संगीत सीखने का क्रम भी छन्नूलाल मिश्र के लिए आसान नहीं था। छन्नूलाल भरी दोपहरी में गुरु के यहाँ जाते थे। वहाँ पहुँचने पर उस्ताद जी कहते, जाओ खाना बनाने के लिए लकड़ी ले आओ। छन्नूलाल वापस उसी चिलचिलाती दोपहरी में लौटते और गुरु के लिए लकड़ी लेकर आते। कंधे पर लकड़ी लादकर छन्नूलाल जब लौटते तो उस्ताद जी बड़े अनमने भाव से कहते, ये बताओ, ये लकड़ियां तो गीली हैं, इन्हें कैसे जलाया जाएगा। इतना कहने का मतलब यही होता था कि तुम अब दोबारा जाकर लकड़ियां ले आओ। इतनी मेहनत करके पसीने पसीने होकर आने के बाद दोबारा पूरी मेहनत करना, ये कम मुश्किल काम नहीं था। एक दिन गुरु माँ ने खां साहब से पूछ ही लिया, इस लड़के को इतना परेशान तुम करते क्यों। उस्ताद जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं संगीत सीखने की उसकी लगन को परखना चाहता हूँ। गुरु माँ छन्नू को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी चुप हो गई। देखते देखते कब 8-9 साल निकल गए पता ही नहीं चला। छन्नू लाल मिश्र ने करीब 9 साल तक उस्ताद जी से शास्त्रीय संगीत की बारीकियाँ सीखी। धीरे धीरे उस्ताद जी को छन्नू लाल की लगन और काबिलियत पर भरोसा हो गया। छन्नू लाल की गायकी के अंदाज की चर्चा भी होने लगी। उस्ताद जी ने छन्नू लाल को अपनी सगी संतान की तरह ही सिखाया। जब उस्ताद जी आखिरी सांस ले रहे थे तो उन्होंने छन्नू लाल को आवाज दी, छन्नू। छन्नू भागते हुए उनके पास गए, उनके सिर को अपनी गोद में रखा और कुछ ही देर बाद उस्ताद जी ने दम तोड़ दिया। उस्ताद जी के जाने के बाद छन्नू लाल मिश्र को ठाकुर जयदेव सिंह से सीखने का सौभाग्य मिला। वो भी संगीत के अद्भुत जानकार थे। उन्होंने छन्नू लाल मिश्र को और तराशा। छन्नू लाल अभी मुजफ्फरपुर में ही थे। तभी एक और दिलचस्प किस्सा घटा। हुआ यूं कि छन्नू लाल की गायकी के कुछ साल ही बीते होंगे जब चंपानगर के राजा कुमार श्यामानंद तक उनकी चर्चा पहुंची। उन्होंने खास तौर पर छन्नू लाल का गाना सुना। उन्हें उनकी गायकी बहुत पसंद आई। उन्होंने छन्नू लाल के पिताजी से कहा, तुम एक काम करो, इसको यहीं छोड़ दो, हम उसको राजगायक बनाना चाहते हैं। लेकिन पिताजी बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कुमार श्यामानंद से मना कर दिया और ये कहा कि वो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो छन्नू लाल को राजगायक बनने के लिए वहाँ नहीं छोड़ सकते। इसके बाद पिताजी ने छन्नू लाल को लेकर बनारस का रास्ता पकड़ लिया, यानी कि बनारस आ गए। फिर यहीं होकर के दोनों बाप बेटे रह गए। वो आज भी सभी से कहते हैं, आजमगढ़ मेरी जन्मभूमि है लेकिन बनारस मेरी कर्मभूमि है। पंडित छन्नूलाल मिश्र की गायकी का सबसे मजबूत पक्ष ये है कि श्रोताओं से उनका कनेक्ट बहुत तगड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है। मकसद यही है कि शास्त्रीय संगीत को इतना सरल करके गाया जाए कि साधारण आदमी को भी वो समझ में आए और फिर वो उसका कदरदान हो जाए। छन्नूलाल मिश्र ने देश दुनिया में शास्त्रीय कार्यक्रम करने के अलावा फिल्म आरक्षण में भी गाना गाया था, कौन सी डोर छोड़े कौन सी काटे रे। इस गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे थे। अमिताभ बच्चन की गायकी को हर कोई जानता है। वो कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने छन्नू लाल जी को सुनकर बहुत कुछ सीखा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे साथ ट्विटर और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं।